नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मचिन में प्रथम नजर पकाबा हेडलाइंस ऊपर विधायकक मृत्यु को सूचक कही विवाद रे मंत्री रणेंद्र प्रताप सिंह बालेश्वर प्रचार बेले कहितिले भगवान को जरिया रे आसी छि सूचक बयान को नै उठिला प्रश्न अडुआ रे शासक दल बालेश्वर वयस्क व्यक्ति वोट संग्रह बेले अनियमितता अभियोग सुस्थ सक्षम महिला को भूल तथ्य दे वोट हाथेबा को उद्यम नयापल्लीरु एयरपोर्ट है ग्रीन करिडर एयर आंबुलांस रे हैदराबाद गले रोगी कोरोना सुस्थ पर प्रभावित होता फुसफुस छ मिनिट पांच सेकेंड रे हॉस्पिटल रु पहुंचले विमानबंदर बिहार विजयी होगा जोरदार कैंपेनिंग बिहार में प्रचार महाशुक्रवार प्रधानमंत्री तीनोटी जनसभा आज मैदान में राहुल तेजस्वी और मायावती राज्य में आज 18 मुंड नहीं महामारी 24 घंटे 30 जिलूर 1793 पजिट चिन्हट क्वारंटीन 1031 स्थानीय संक्रमण 762 युवकों पिटिपिटी मारिदेले कप्तिपदा पोडाडीहा वन विभाग नारे सांघातिक अभियोग क्षतिपूर्ण दाबी रे मृतदेह रखी रास्ता अवरोध कले ग्रामवासी अवमात्र रूप नेला लघुचाप चार जिला को रेड वार्निंग प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना घंटा प्रति 40-50 किलोमीटर बेगरे बहिबो पवन पुरी और गोपालपुर बंदर को 3 नंबर संकेत जारी कोविड कटकणा भितरे पालन हेबो पटनागढ़ ऐतिहासिक बैल यात्रा आज तीन दिन सहर से 144 जारी घरे रही मां को दर्शन करने को जनसाधारण को जिला प्रशासन अपील शेषर आज पीठ से महाअष्टमी मंत्रोध्वनि में प्रकंपित राज्यर विभिन्न शक्तिपीठ बिना भक्त चली नीतिकांति सेपटे मंडपे महामाया महासप्तमी कोविड कटकण से चली पूजार्चना एथर संपूर्ण खबर जड़े विधायकों मृत्यु को भगवान जरिया सुजोग बोली कही बद को आसी समवाय और खाद्य जोगाण मंत्री रणेन्द्र प्रताप सिंह उपनिर्वाचन प्रचार में निजर संवेदनशीलता भूली रणेन्द्र जपरी विकास कथा कही एवं विभिन्न महल में प्रश्न उठी सेपटे रणेन्द्र एपरी बयान एवं बीजेडी को अड़ुआ पक गोटे सुजोग भगवान जरिया आँची ये गोटे सुजोग भगवान जरिया आसी पहुंची मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई का संवेदनहीन बयान जड़े विधायकों मृत्यु को भगवान को जरिया सुजोग बोली कहते मंत्री रणेन्द्र ओरफ राजा स्वाई बालेश्वर उपनिर्वाचन प्रचार चली एपरी बदय बयान दे चर्चा को आसी मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई भलकर शुणतु जड़े विधायकों देहांत नहीं निर्वाचन मंडल में दुखने ताबे केमी सुजोग कहते राज्य सरकार को क्याबिनेटर जड़े वरिष्ठ मंत्री कौन से ना कौन से कारण विजु जनता दल दूरे जा बालेश्वर प्रगति रे बाधक होता ये गोटे सुजोग भगवान जरिया आसी पहुँची जो थे पुणी थे विकास मूलधारा सहित बालेश्वरवासी सामिल हे गला राजा को मानविकता भोट पाई संवेदनहीन हो गले मंत्री गोटे परिवार दुखरे थिबा बेले एहाको केमिति सुजोग बोली कहिबा को भूलिले नाही मंत्री एहाको नै सृष्टि होइछि प्रश्न मंत्री रणेन्द्र प्रताप को एपरि वक्तव्य को नै एबे विभिन्न महल रे निंदा करा जाइछि एपरि कि निज दलर नेता मध्य रणेन्द्र को मंतव्य को नापसंद करिछन्ति एपरि कहिबा रणेन्द्रकर भूल बोली दलर वरिष्ठ नेता कहिछन्ति ये गोटे सुजोग भगवान को जरिया रे आसी पहुँची सुजोग कौन एटा सुजोग कथा किसी नुह एटा बरंश जे सुजोग नुह किसी निर्वाचन दुर्भाग्य हुए जन विधायक चलीगला पर जगह पुनी निर्वाचन हवा कष्टदायक कथा बालेश्वर सदर बीजेडी गड़ क्रमगत भाव आसनटी बीजेडी दखल ने 2019 बीजेपी मदन मोहन दत्त
विजय होइथिले। तबे मात्र 1.5 वर्ष विधायक रहिथुआ बेले ए समय रे विकास होइपल्ला नाही बोली कहउछंती रणेंद्र। आउ रणेंद्र को एपरि बयान एबे बीजेडी पई अड़ुआ सृष्टि करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज। तबे संपर्क रे अधिक तथ्य पई सिधास्थल काम सहित जोडी छेंती हम प्रतिनिधि संतोष जेना ग्राउंड रो जोडी छेंती। संतोष, वर्तमान विधायकंकर एबोली बयानबाजी को वोटर माने केते ग्रहण करउछंती एवं कोन प्रतिक्रिया रखुछंती? देखो, गणतांत्रिक प्रक्रिया रे समालोचनार गोटे वास्तव स्थिति अच्छी एवं समालोचना हेबा निहाती जरूरी। समालोचना हेले ही भोटर माने सचेतन हेबे, ता सहित नेता माने मध्य सचेतन हेबे, विकास मध्य हेबो। किंतु जणे प्रभावशाली मंत्री जे जणे कैबिनेट मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाईं को प्रतिक्रिया वर्तमान बीजेपी शिविर रे एक प्रकार असंतोषर झड़ बुआई। सीधा सड़क आम बीजेपी शिविर रे अच्छु, से कार्यकर्ता मैंने आम सहित उपस्थित अच्छा चिन्मय, आम तुम्हें प्रतिक्रिया ना चाहबू। प्रथम आपन जानकू चाहिए जे मंगु दत्तर सिंपाथी को नहीं आपड़ निर्वाचन मैदान को ओल्लैंती। या भितर बीजेपी पूरा काउंटर दौर विधायक मंत्री राज्यस्तर नेता छात्र जुव समस्ते डेरा पकई। हठात मंत्री प्रतिक्रिया को आपने कहीं विरोध करसुविधा क्योंठ रहा परलोक को सी गोटे विजु जनता दल सुजोग भगवान ये सुजोग आनी कह आपने कौन असंतोष देखा? देखो, प्रथम आप कहें मंगु भाई समयवेदना नुहे, निहाती मंगु भाई जो समयवेदना अच्छी ता तो ठीक कथा। ता सहित तो बीजेपी विकास आधार रे निर्वाचन लड़ुची। आमर मंगु भाई जड़े कर्मवीर थे बालेश्वर माटी देखी एवं से ही आधार में 2019 बालेश्वर सदर जनता निर्वाचित करते। दुर्भाग्यर विषय नियतिर खेल किसी अलग था, मंगु भाई आमको छाड़ चलीगले। कि गत काली जो मान्यवर मंत्री जो बयानटी यू आम जाणीलु तरी जे दामबाबू कही ये शख नुहे गेंडा, आम गेंडा दल बोली कहूल, आज कह शुणा दल, ये शुणा दल अन बस। शुणा जमी कौन व्यक्तिर जीवन थी अनाइन मरीगला आसे ता मड़ा खायापी, ये शुणा दल बालेश्वर सदर को आसान मड़ा खायापी। एत निर्लज मैंने गोटे मृत व्यक्तिर मैं निंदा कर मरीगला आम ये आमको सुजोग मिली भगवान मध्यम कौन भगवान चिठी देते एटा अत्यंत घूर्ण जिनस। एवं मंत्री बयान को मुझे निंदा करुच्ची, बालेश्वर जनता यार जवाब देवे 3 तारीख भोट्रे। विजयबाबू, संक्षेप में आपको प्रतिक्रिया चाहिए, आप भारतीय जनता पार्टी जोग देते या पूर्व आम आप प्रतिक्रिया शुणुलु जड़े मंत्री से केवल बालेश्वर सदर मंत्री नुह सारा राज्यर मंत्री गुरुत्वपूर्ण दायित्व अच्छे निर्वाचन समय दलय प्रचार आए प्रकार प्रतिक्रिया के देखते देखते आज्ञा निर्वाचन परिप्रेक्षी नुहे गोटे साधारण व्यवस्था होमर ओडार गोटे जो साधारण व्यवस्था रही जे जीए भी मरुना कहीं गोटे अपर दलर लोक मरू कि साधारण लोक मरु कि शत्रुपक्ष लोक मरु आम से जगह कौन हो जाए ना आम गोटे वसुदैव कुटुंबकम तत्व भितर आम रही आम गोटे परिवार सदृश रही समाज सामाजिक प्राणी आम कि जो कथाटा वर्तमान परिप्रेक्षी आसला मदनमोहन दत्तर जो पुओ ढाई जे केवल सिंपाथी केवल गोटे आधार करी भारतीय जनता पार्टी ये निर्वाचन लड़ूनी। निर्वाचन गोटे राजतंत्र राजतंत्र गोटे प्रक्रिया एवं स्वच्छतार प्रक्रियाटा गोटे तेणु एटी से वन अफ दि रिजन कहीं आप देखु जदि सब कथा को नजर को ने भारतीय जनता पार्टी केवल कमन प्लाटफर्म रु लोक आणिकी पहुँचबार व्यवस्था रही केवल भारतीय जनता पार्टी जोटार कि मुँह आग्रहित तो होगी आज आसली एटिक कहीं ये रजार पु केवल रजा हवा शिखाए कि परिप्रेक्षी में जो मालमाल मंत्री आसुंच जड़े मान्यवर मंत्री महोदय जो कहले मदनमोहन दत्तर वियोगटाई गोटे आशीर्वाद हो गला सब दुर्भाग्यजनक आज्ञा लेबुल को सी जड़ेदे सी कौन स्टांडार्ड स्टैंडर्ड को सी दर्शेदे जे विजु जनता दल जो मान्यवर मंत्री महोदय रही स्टैंडर्ड से समबेदना। आपण शुणुते जे बालेश्वर आम प्रतिनिधि संतोष जेना जोड़ी एवं जो मैंने बीजेपी नेता कर्मी माने थिले सेमानकर मध्य प्रतिक्रिया शुणुते। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष आपणकर समस्त तथ्य एवं आलोचना पाई। न्याय पाई बलांगीर जिलापालंको भेटिले दिव्यांग रूपल कौर माक्षी। उपजिलापालंको
ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରୁପଲ। ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚିରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଫସିଗଲା ପ୍ରଶାସନ। ବୁଲ୍ଡୋଜର ବୁଲାଇଥିବା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ହେବା ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ରୁପଲ। କହିଛନ୍ତି ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣର ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ପରିବାର କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଦୋକାନଟିଏ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ରୁପଲ। तबे संपर्क में अधिक तथ्य पाई आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि तरुण कुमार साहू जोड़ी होती। तरुण जानवा को चाहिए वास्तविक भाव में जो दिव्यांग झील रही अभियोग कौन रही कौन होता सहित ते बर्तमान जंत्री समस्या उपजुच्छे आम चेष्टा करूँ सहित जोड़ापी आम प्रतिनिधि सहित ए पूरा घटना संपर्क में जानवापी कि सबुठ बड़ कथ आपने सीधासख दृश्य देखिपुट जड़े दिव्यांग झील जेकि निजे व्यवसाय कर छोटमोट व्यवसाय परिवार प्रतिपोषण करुते कि दुकान को प्रशासन भांगी देती केवल ये गोटे अभियोग नुहे प्रशासन भांगा पूर्व जिते नोटिस आसी से हाइकोर्टर द्वारस्थ होते से कोर्ट से जगह को भांगापी सेठी जो जबरदखल कर स्टे ऑर्डर करा जाई थिला किंतु तापरे जे उपजिलापाल आसी थिले उपजिलापाल आसीबा परे तांको बुलडोजर लगाई तांको दुकान को संपूर्ण भाव में नष्ट कर दे थिले एवं तापरे पुणि थरे हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइतिले झियो जणक बा से जो रूपल जे से रहितिले एवं हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइतिले हाईकोर्ट सेतबेले निर्देश देथिले जे आपण सीधासलक चाहिले बा तांको नारे मामला रुजु करि परबे जे जिलापाल रहिछंती तांको विरोध रे तेज आम सहित बर्तमान रूपल रूपल कौर जी रही आईनजीवी सी जोड़ी होती फोन लाइन में सहित सीधासलख आलोचना करवा मोहन शर्मा आईनजीवी आम सहित जोड़ी होती। श्रीजुक्त शर्मा आपन को अर्गस न्यूज को स्वागत जनइबी और आपण जानवाक चाहिए वास्तविक भाव में कौन घटी रूपल सहित रूपल बापा गोटे गवर्नमेंट जमी को कोड़े तीस वर्ष रुपाय कर तांकर जो भिन्नक्षम झियो थिला से सेठी दुकान करी करी रोजगार करूतला हाईकोर्ट तरफ रु माने पहला तहसीलदार गोटे एनक्रोचमेंट केस करी थिले फॉर एविक्शन तार विरुद्ध रे से हाईकोर्ट रे गोटे रिट करी थिले सेटा रिट रे स्थगन आदेश थिला स्टे ऑर्डर हेतिला आ स्टे ऑर्डर थिला इन द मेन टाइम कोन कले ये तहसीलदार कंटावांजी ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को गोटे मौखिक निर्देश देने कि आप मो तो स्थगित अच्छी मोर विरुद्ध स्टे ऑर्डर अच्छी न भांगापी आप गोटे म्युनिसिपल एक्ट रारा 254 रे गोटे नोटिस करंतु आउ ताको आज नोटिस करी काली भांगी दियंतु सेमतिया जमतिया बॉम्बे रे कंगना रनावत रो केस रे हला गोटे दिन नोटिस देले तार अन्य दिन भांगी देले सेई परिका सेता सेई घटना रे एठी पुनरावृत्ति हला से भिन्नक्षम झीर से विभिन्न गुहारी कला कि आज्ञा मत का नोटिस देले शोकज पाई मु ऑफिस को गली शोकज भी मौका देले आउ आ काली नोटिस मु भेटिबा को गली मत भेटिबा को देले आउ आज हटात मोर घर भांगुचंती मोर हाईकोर्ट ऑर्डर अच्छी देखंतु आपण माने स्टे ऑर्डर अच्छी से माने कहले हाईकोर्ट ऑर्डर रखी तो हाईकोर्ट रे देखेब एटी चलिब नाही सब कलेक्टर भी थिले आउ आपणकर तहसीलदार मध्य थिले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एनएससी रो थिले किंतु केही तार से कागज को देखिले नै बोले हाईकोर्ट रे देखेब एटी चलिब नाही आमे आज भांगिबु से झियो बो ताको जेते बेले से बहुत कहला तो ताको नहीं करे थाना को नहीं करे बाप पुओ को बाप आउ से झियो को नहीं करे थाना रे रखी देले आउ बुलडोजर लगे करे जेसीबी मशीन लगे करे भांगी देले आज्ञा तबे एठे सर आपणठु जानबा को चाहिबी ये जो वर्तमान जे रहिछंती रूपल वर्तमान परिवार केमिति प्रतिपोषण करचोनी कारण दुकान वर्तमान भांगी जाइछे एवं से दिव्यांग एबले स्थिति रे वर्तमान परिवार केमिति केबले प्रतिपोषण करचोनी
ସେ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାର କିଛି ସାହା ଭରସା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ସେ ଦୋକାନରେ ବସିକରି ଯାହା ଟିକେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କିଛି କରିପାରୁନି। ପୁରା ଯାଇକରି କେତେବେଳେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛି, କେତେବେଳେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛି କି ମୋତେ କିଛି ମୋର ସର୍ଭାଇଭାଲ ପାଇଁ କିଛି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାଯାଉ। ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲାଣି କି? ପ୍ରଶାସନ ତ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନାହିଁ। ତ ସବ କଲେକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କଣ ଜମି ଦେଇପାରିବି କି? ସେ ଝିଅଟା କହିଲା ମୋତେ ବସୁନ୍ଧରା ସ୍କିମରେ ସେ ଜାଗା ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେଟା ଛଳ ପୂର୍ବକ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେଟା ତ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ଉପରେ ଥିଲା ତାର ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଏନଏସି ର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ନୋଟିସ ଦେଲେ କି ରୋଡ ଉପରେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ରୋଡ ଉପରେ ଏନକ୍ରୋଚ ଅଛି ବୋଲେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଆସିଛି, ତାପରେ ସେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋର୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର ଆସିଛି ଯେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଭଳି ଭାବରେ କୋର୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା ତାକୁ ବେଖାତିର କଲେ? ମୋ ଖ୍ୟାଲରେ ବାୟାସ୍ଡ ହେଲେ ଆଉ କଣ, ସେ ବାୟାସ୍ଡ ହେଇକରି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରିଆ କଣ ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମାନେ ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏନଏସି ର ଭାଙ୍ଗିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, 254 ସେକ୍ସନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆକ୍ଟ ର ସେଥିରେ ନୋଟିସ ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରୋଡ ଉପରେ ଅଛି, ସେଇ ଲାଇନ ରେ ତ କମସେ କମ 20ଟା ଘର ଅଛି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସହାୟ ବା ଅସହାୟ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ଦାଉସା ଦେବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ତାର ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ରୂପଲଙ୍କ ସହିତ। 35 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ଗୁଞ୍ଚରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରୂପାଲୀ ମୁଖିଆଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଥିଲା ବା ଦୋକାନ ଥିଲା କଣ୍ଟା ପାଞ୍ଜି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ଅଶୋକ କୁମାର ମାଝୀ ଥିଲେ, କଣ୍ଟା ପାଞ୍ଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ RI ବନମାଳୀ ମାଝୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ NOC ର ଇଓ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ପ୍ରତିମା ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। JCP ଲଗାଇକି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ରୂପାଲୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ JCP ଲଗାଇ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ସେ FIR ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅବୈଧ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ନିୟମ ନାହିଁ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର କପି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର କପିକୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସିଧା ସିଧା କହିଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର କପିକୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଇବେ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର କପିକୁ ସେମାନେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ରୂପାଲୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଗତକାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ରୂପାଲୀ ଥଇଥାନ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତରୁଣ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ବା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ବା ଯେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଏମାନେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ରୂପାଲୀ ଝିଅ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ରୂପାଲୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅବମାନନା କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅବୈଧ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ରୂପାଲୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ସେ କହୁଥିଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ଯେଉଁଠି ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଦୋକାନ କରିଥିଲି ମୁଁ ସେଇଠି ମୋତେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ନିର୍ମାଣ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଏବଂ ଯାହା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ମାମଲା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହା ଯାହାର ଶୁଣାଣି ହେବ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅଙ୍କର ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ରୂପାଲୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ସେ ତାହାକୁ ରୂପାଲୀ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସେହି ଜାଗାରେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଦୋକାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଅରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ
से जेतबळे जिलापालंको भेटुचंती एवं जिलापालंको द्वारस्थ होउचंती कोण आसुची प्रतिश्रुति कोण आसुची मान्यवर जो जिलापाल रही बलांगीर चंचल राणा से अन्यत्र थैथान करने प्रस्ताव देते दिव्यांग रूपाली को किंतु रूपाली से जोटी 35 वर्ष धरी दुकान कर रोते से ही दुकान करेंगे और जेहेतु रास्ता ठार बहुत दूर अच्छी निर्माण ठीक ठाक हाईकोर्ट स्टे अर्डर तो दुकान भांगार ना जेहेती दुकान भांगी मुझे बेरोजगार अच्छी मत तुरंत दुकान निर्माण कर प्रशासन देवी से अभोग कर दाबी रखुं दुकान निर्माण घटना गुड़ घटी उपजिलापाल हाईकोर्ट स्टे अर्डर को देखी ना बुलडोजर लगे दुकान भांगी विरोध में कौन कार्यानुष्ठान ना कारण सी जो पुनर्व हाईकोर्ट निर्देश को अवमानना करते गोटे क्रिमिनाल केस अभियोग मामला रुजु करने कोर्ट अर्डर दे सारे निर्देश दे सारे कि वर्तमान सुधा पुलिस पाख को जेतल जाउचंती पुलिस प्रशासन एफआईआर रखुना पुणी तांको धमक मिलुची जिलापाल ए संपर्क में कौन कहते जे वास्तव की जो माने दोषी सेमानको कार्यानुष्ठान सेमानको विरोध में कार्यानुष्ठान नियाजिबो ना नाही निश्चित भाव जो दिव्यांग जो रूपाली प्रथम जो तांकर दुकान भांगी थी कंटाभांजी उपजिलापाल सोमेश कुमार उपाध्याय विरोध में जो अभियोग रखुं हाईकोर्ट निर्देश को न मानवा एक प्रकार अवमानना कहुपे से जो दुई दुईट मामला उपजिलापाल विरोध में रुजु कर हाईकोर्ट निर्देश को बेखातिर करवा बेआईन भाव में जड़े दिव्यांग झीर दुकान भांगा दुई दुईट अभियोग कुंडापांजी उपजिलापाल सोमेश कुमार उपाध्याय ना आसूसी और निश्चित भाव में जेहेतु जिला प्रशासन निश्चित भाव में सजाग थोड़ा विरोध में कार्यानुषान नापी गत काली दिव्यांग झील सहित रूपाली सहित बलांगीर जिलापाल चंचल राणा जो आलोचना करापुर कौन सी निष्कर्ष बाहरी नपारी ना जेहेतु से अन्यत्र थैथान करने जिलापाल प्रस्ताव देते मानि ना दिव्यांग झील रूपाली कि रूपाली कहवा कथा से जोटी थे से ही दुकान कर प्रशासन हस्तांतर करू नचे से हाईकोर्ट द्वारस्थ हो आज सकाल तांको सहित आलोचना करा बेले से प्रकाश करिसंती चिन्मय तरुण बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर समस्त तथ्य पई आपन सुनुतिले तरुण साहू जे हमर प्रतिनिधि रहितले बलांगीर रो एवं से जा तथ्य रखुतिले जे न्याय पई बलांगीर जिलापालक द्वारस्थ होइचंती कंटाबांजी रो दिव्यांग झ रूपल कारण तांकर से जे व्यवसाय करुतिले जेतबेले तांक प्रशासन द्वारा से स्थान रे दुकान तांक दुकान को भंगा जायतिला बा सेतबेले से हाईकोर्ट को द्वारस्थ हेले एवं हाईकोर्ट को जहा ऑर्डर आसिला जे वर्तमान स्टे अर्डर हाईकोर्ट दे किंतु ये स्टे अर्डर को अवमानना करते उपजिलापाल रही कारण उपजिलापाल सीधा सड़क मना करते हाईकोर्ट को स्टे अर्डर को आम देखू ना एवं बुलडोजर लगाई जहाँ दुकान रही भांगी कि सब बड़ कथा होते जड़े असहाय दिव्यांग झीटे से किभली भाव में तार पर प्रतिपोषण कर कारण गोटे एकम्र सहारा थी से दुकान बर्तमान से बेसहारा हो पड़ते पुणी थे जो पुनर्व हाईकोर्ट पाक जाऊँच हाईकोर्ट ए कथा मध्ये निर्देश दे सारी जे वर्तमान उपजिलापाल नारे मामला रुजू करी मध्ये तांकु क्रिमिनल एक्ट मध्ये तांकु गिरफ करा जाई पारिबो किंतु सबुट बड़ कथा होची पुलिस प्रशासन मध्ये सेठी चुप बसछि तबे वर्तमान आम सहित तो निजे रूपल ही जोड़ी होती दिव्यांग झ रूपल सहित आलोचना करबा रूपल आपको स्वागत है अर्गस न्यूज को आपको मैं पहले जानना चाहूंगी कि आपके साथ क्या हुआ था 13 तारीख को एनएससी की कांटावांजी एनएससी की ईओ मैडम ने हमको एक नोटिस किया और 14 अगस्त 2020 को सब कलेक्टर सर सोमेश कुमार उपाध्याय एनएससी की ईओ मैडम सुप्रिया मिश्र कांटावांजी के तहसीलदार अशोक कुमार माठी और कांटावांजी के आरआई सर बनमाली बारिक ने चारों ऑफिसर लोगों ने 14 तारीख कांटावांजी सर मेरी दुकान और मेरे घर को तोड़फोड़ कर दिया बिना कोई नोटिस के 13 तारीख को एनएससी मैडम ने जो नोटिस दिया आपकी दुकान के साथ घर भी तोड़ दिए हैं हाँ मेरे दुकान के साथ मेरे घर को भी तोड़ मैं वहाँ रहती थी हाँ। और मेरे घर को ये लोगों ने तोड़ दिया उसमें नोटिस में कोई कितने साल हो गए आप वहाँ पे रहती थी हम रह रहे हैं 2019 से पर मैंने अपनी दुकान शुरू की थी जनवरी से 2020 जनवरी से तो अब क्या अब कहाँ पर रह रहे हो अब हम मेरे दादाजी के नाम में जो जमीन थी हम उस जमीन में रह रहे हैं
अच्छा, तो जब दुकान आपके टूट गए तो आप उसके बाद आप आपका क्या एक्शन था, क्या करने लगे आप? मेरी दुकान टूटने के बाद मैं कांटावंजी पुलिस थाना पर गई और वहां पर मैंने आईएसी सर को अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं रिपोर्ट देना चाहूंगी, तो कांटावंजी के तहसील कांटावंजी के थाना बाबू ने मना कर दिया कि हम आपकी एफआईआर कॉपी नहीं लेंगे, आप हाईकोर्ट से लेकर आइए तब हम आपकी एफआईआर कॉपी रिसीव करेंगे। आप हाईकोर्ट गए थे? हम हाईकोर्ट से ऑर्डर लेकर आए हैं और हाईकोर्ट ने अब ऑर्डर दिया है कि 3 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन की जाए और मेरे एफआईआर को थाना बाबू कंटावनी थाना बाबू ने रिसीव किया हाईकोर्ट के ऑर्डर आने के बाद। अच्छा, अब ठीक है, लेकिन आप अभी जिलापाल के पास गए थे, उनको क्या डिमांड की? जिलापाल सर से मैंने एक ही गुजारिश की थी कि अभी कोविड टाइम में मुझे जितनी प्रॉब्लम हो रही है तो सर मुझे उसी जमीन पर एक दुकान करने की परमिशन दी जाए। आप कहिए सब कलेक्टर सर से कि वो मुझे एक दुकान टेम्परेरी, जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता तब तक आप मुझे टेम्परेरी वो जगह दीजिए, तो मुझे जिलापाल सर ने मना कर दिया कि वही जगह को मैं नहीं दे पाऊंगा, उसके अलावा अगर आप कहीं और लेना चाहेंगी तो वो मैं आपको जरूर दिलाऊंगा, अगर आप डिजर्व करती हैं तो। तो अब आप क्या करोगे? एक तो आपकी दुकान और आपके घर सब टूट गई और आप जिलापाल के पास भी गए, पुलिस प्रशासन के पास भी गए, सबको आपकी गुजारिश सुनाई, लेकिन कोई नहीं सुनता है, अब क्या करोगे? अब मैं हाईकोर्ट मजिस्ट्रेट सर से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे वो जमीन दी जाए ताकि मैं वहाँ अपना रोजगार करके अपना घर परिवार चला सकूँ, और ये चार ऑफिसर लोगों ने जिन्होंने चारों मिलके जो मेरे घर को तोड़फोड़ किया है बिना नोटिस के बिना ऑर्डर के, इनको इनके प्रति इमीडिएटली एक्शन लिया जाए और इनको सजा दी जाए। मैं ये चाहती हूँ हाईकोर्ट के मजिस्ट्रेट सर से, और ये चाहती हूँ कि मेरा जितना तोड़फोड़ हुआ है कोविड टाइम में, मेरी जितनी तोड़फोड़ वो लोग किए हैं उनका कंपनसेशन दें वो लोग, चारों अधिकारी मिलकर, चारों ऑफिसर मिलकर। ठीक है रूपल, कि तो पहला बात ये है कि आपके एक तो कोविड 19 के समय आपकी ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है इसमें आपकी दुकान तोड़ दी, आपके घर तोड़ दिया, और ये जो लोग हैं उनके ऊपर ये जो आरोप आ रहे हैं कि पहले जैसे हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर था और इस हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद भी इन लोगों ने ये सब हालात मचाए, क्यों? मेरे हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर को वो सब कलेक्टर सर को मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, सर सर आप मेरा डॉक्यूमेंट देखिए, आप मेरा कागज पत्र देखिए, वो हम साफ फेंक दिए कि हमको हाईकोर्ट का ऑर्डर देखना ही नहीं है, आप हाईकोर्ट को ऑर्डर है तो आप वहीं जाकर दिखाइए, मैं नहीं देखूंगा। तो अब क्या सोचते हैं ये जो सरकार होते हैं, ये जो प्रशासन होते हैं, ये सिर्फ धनी लोग के लिए होते हैं या गरीब लोग के लिए भी ये सुनते हैं, गरीब लोग का भी जो गुजारिश होती है उनको भी सुनते हैं? माननीय हाईकोर्ट सर और जो खंडपीठ है ना, जो सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी स्टे लगाया हुआ है कि कोविड टाइम में अवैध निर्माण जमीन हो घर, लेकिन ये हो, तो कुछ मानते ही नहीं, ये तो कुछ मानते ही नहीं, किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं होगी। 31 अगस्त तक का एक्सटेंशन दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा में, वो एक्सटेंशन अभी बढ़ते 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 नवम्बर तक चले गया है, फिर ये ऑफिसर आईएएस, एक आईएएस ऑफिसर कैसे तोड़ दिए उस जगह को, मतलब हाईकोर्ट के स्टे का उनको कुछ, या तो उनको पता नहीं या फिर वो देखना नहीं चाहते या उनको कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, मैं नहीं जानती, बट ये है नियम, ये कहता है कानून, ये कहता है कि जब जनता जना, जब एक आईएएस ऑफिसर खुद हाईकोर्ट के ऑर्डर को अमान्य कर रहे हैं, उनकी अवहेलना कर रहे हैं, तो जनता जनार्दन से क्यों उम्मीद करते हैं प्रशासन कि वो उनकी बात माने? हाँ। क्या जनता जनार्दन के लिए ही ये सब रूल रेगुलेशन और नियम कानून है? प्रशासन के लिए कोई नियम कानून रूल रेगुलेशन नहीं है क्या? वो क्यों नहीं मानेंगे, वो क्यों तोड़े? तो अब आपके सहारा और विश्वास ये है कि हाईकोर्ट सिर्फ आपको न्याय दिला सकता है? करूंगी उनसे ही, उनके पास ही न्याय है, और मैं उन्हीं से चाहती हूँ कि मुझे वही जमीन दी जाए क्योंकि उस जमीन में मेरे जैसी लड़की का भविष्य है, ताकि मैं वहाँ आज रह सकूँ तो कल को अगर दूसरी जगह भी सरकार मुझे देगी तो मैं आने जाने में असमर्थ हूँ, इसीलिए मैं वही जगह चाहूंगी ताकि मैं आगे दुकान और पीछे घर करके अपना घर चला सकूँ, अपना पेट भर सकूँ, ये सब चाहती हूँ मैं। ठीक है रूपल, हम उम्मीद रखते हैं कि हाईकोर्ट आपकी आपको जो अभियोग है उनको सुने और जो वो दिए हैं आपको प्रतिश्रुति के 3 महीने के अंदर सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो भी हो सके और आप आपकी दुकान और आपके घर ठीक से
जैसे पहले जैसे पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेज आप शुणुते जे रूपल रही दिव्यांग झील अभियोग आणुते सीधा सड़क सहित आलोचना करुते जड़े दिव्यांग झील जे व्यवसाय करते पर प्रतिपोषण करुते एकम्र सहारा परिवार प्रतिपोषण दुकान ही थिला। कोविड 19 समय जो सुप्रीम कोर्ट कर ऑर्डर रही गाइडलाइन रही कौन से वर्तमान कह रोजगार उपरे केही बा प्रहार करिपारिबे नाही किंतु से समय जिला प्रशासन एने कौन शुणि नथिला बा सी जो हाईकोर्ट रो मध्य याकुनी अपील करिथिले तांको दुकान भांगिबार जो नोटिस आसीथिला तांको से हाईकोर्ट द्वारस्थ होइथिले। हाईकोर्ट मध्य ऑर्डर देथिले जे एभळी मध्य करा न जाय कोन स्टे ऑर्डर करा जाइथिला किंतु ता परे मध्य जिला प्रशासन उपजिलापाल कथा कहबा केही सुन नथिले। आशा करिबा तुरंत तांकर समस्यार समाधान हेउ। समस्या छि बुलेटिन को इठ रखुछु। नमस्कार।